हेलो गाइस, सो वेलकम यू ऑल अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन सीरीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन में अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज व्हाट इनपुट एंड आउटपुट मेथड इन पाइथन, कि कैसे हम पाइथन में यूजर से इनपुट लेंगे, कैसे हम डेटा को प्रिंट करेंगे। ओके, तो यहां पर दो मेजर मेथड में हम बात करने वाले हैं, एक प्रिंट मेथड और एक इनपुट मेथड। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको डेटा कंसोल पे प्रिंट करना है, हाउ मेनी टाइप्स यू कैन प्रिंट द मेथड। ओके, यदि आपको यूजर से डेटा रीड करना है, देन हाउ इनपुट मेथड रीड द डेटा फ्रॉम यूजर, हाउ मेनी वेज वी रीड द डेटा इन पाइथन। तो बात करते हैं यहां पे हम प्रिंट और इनपुट मेथड के बारे में, लेकिन उसके पहले रूल नंबर वन, ओके, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम यहां पे प्रिंट और इनपुट मेथड के बारे में, कि हाउ वी प्रिंट द डेटा इन पाइथन एंड हाउ द डेटा इज रीड इन डिफरेंट वेज, कैसे अलग अलग तरीके से हम पाइथन में डेटा रीड करेंगे। तो यहां पर आप देखो, यदि आपको लगता है कि आपको यूजर से एक इनपुट लेना है, ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम हम बनाते हैं जहां पर हम बोलते हैं कि सर मुझे दो नंबर को ऐड करना है, आई नीड टू ऐड द टू नंबर फ्रॉम यूजर। ओके, तो यहां पर मुझे यूजर से एक इनपुट लेना है, ठीक, तो ये इनपुट अगर मैं ए में लेता हूं, तो देयर इज अ मेथड इन पाइथन कॉल इनपुट। ठीक है, जब भी आपको लगता है कि आपको पाइथन में यूजर से इनपुट लेना है, देन देयर इज अ मेथड कॉल इनपुट मेथड। ओके, लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा ए इक्वल टू इनपुट, तो इसका मतलब है कंसोल स्क्रीन से इनपुट लेने के लिए आपका कर्सर तो रेडी है, लेकिन क्वेश्चन यह है कि सर इनपुट देना क्या है। आप अगर ऐसे सॉफ्टवेयर बना के यूजर को दोगे तो कर्सर रेडी है, लेकिन आउटपुट स्क्रीन तो ब्लैंक आ रही है ना, उसको यही नहीं पता कि कंसोल स्क्रीन पे करना क्या है। तो क्या होता है, जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं तो एक मैसेज भी देते हैं, एक मैसेज देते हैं कि आपको क्या इनपुट लेना है। जैसे मैंने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहां मेरे पास दो चॉइस है, कि या तो मैं इसके पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं, प्रिंट स्टेटमेंट होती है पाइथन में कंसोल पे डेटा प्रिंट करने के लिए। ओके, और प्रिंट हमेशा डेटा, अगर आपको प्रिंट करना है तो वो डेटा आपको यहां लिखना है जो आपको प्रिंट करना है। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर एंड देन ए इक्वल टू इनपुट, तो अब आपका प्रोग्राम क्या करेगा, पहले मैसेज देगा एंटर फर्स्ट नंबर और फिर आप जो डेटा दोगे वो डेटा ए में असाइन हो जाएगा। तो या तो ये तरीका है कि आप प्रिंट भी लिखो और आप इनपुट भी लिखो, लेकिन ये दो काम अलग अलग करने की बजाय हम पाइथन में क्या करते हैं, एक ही स्टेटमेंट से प्रिंट का काम भी कर लेंगे और इनपुट का काम भी हो जाएगा। कैसे, देखो आप, ये जो इनपुट मेथड है इसका टास्क क्या है, आपसे डेटा लेके ए को देना, और जो आप इसको एज अ पैरामीटर दोगे, यहां जो देते हैं ना उसको पैरामीटर बोलते हैं, यहां जो आप लिखोगे ये उसको एज इट इज कंसोल पे प्रिंट कर देगा। तो यदि मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, तो ये वो डेटा है जो प्रिंट होगा और जो आप एंटर करोगे वो ए में असाइन हो जाएगा। तो ये ज्यादा बेटर है, बजाय दो बार स्टेटमेंट लिखने पर चॉइस इज योर। सो यदि मैंने अब लिखा ए इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, सो दैट आई विल गेट द डेटा फ्रॉम यूजर, ये डेटा मुझे यूजर से रीड होके मिलेगा। अब इसमें भी एक चीज देखो आप, यदि मैं बी नाम के वेरिएबल में फिर से लेता हूं इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, मैंने फिर से एक नंबर एंटर किया एंटर सेकंड नंबर, तो अब मेरे पास ए नाम के वेरिएबल में एक डेटा है मान लो 10 और बी नाम के वेरिएबल में डेटा है मान लो 20। तो यह समझना, यह डेटा जो आपके पास मेमोरी में है वो 10 और 20 तो है, बट दिस इज बेसिकली 10 एंड 20, यह है 10 और यह है 20, ठीक है। अब यह 10 और 20 है, क्यों, क्योंकि इनपुट मेथड जब भी डेटा रीड करेगी इट ऑलवेज रीड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ओनली। आपको जो डेटा इनपुट मेथड से मिलेगा वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट का डेटा होगा, और यदि आपने गलती से ऐसा लिख दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट, अब आपको सी की वैल्यू प्रिंट करना है, सो प्रिंट मेथड को आप सी नाम का वेरिएबल दे दो। ये तो सिंपल प्रिंट मेथड है, अभी आगे भी हम बात करते हैं इसके बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम आप देख लो जिसमें मेजरली इनपुट मेथड को समझ रहे हैं, ओके, कि इनपुट मेथड किस तरीके से डेटा रीड करती है, कितने तरीके से डेटा रीड करती है और इसका क्या मतलब वर्किंग है। ओके, अब इनपुट ने जो डेटा आपको दिया वो आपको मिला स्ट्रिंग फॉर्मेट में, सी दिस वन 10 और 20, तो जब प्लस ऑपरेटर से आपने इसको जोड़ा तो एक्चुअली ये इंटरनली ऐसे जुड़े हैं 10 प्लस 20, दिस बोथ आर स्ट्रिंग, और जब स्ट्रिंग जुड़ती है तो वो एडिशन नहीं होता है, जब स्ट्रिंग जुड़ती है तो वो कॉन्केटेनेशन होता है। तो इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो एक्चुअली 1020 मिल जाएगा।
इट इज नॉट 30, इट इज 1020. प्रॉब्लम समझ में आ रही है? ठीक है, इट इज 1020. अब आपने बोला सर मुझे तो 30 चाहिए था, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि इनपुट से आप जब भी डेटा रीड करोगे, ठीक, इनपुट हमेशा आपको डेटा देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में. और यदि आप चाहते हैं कि सर मुझे वो डेटा स्ट्रिंग से इंट में चाहिए, ठीक, तो देर इज अ मैथड विच इज कॉल्ड इंट मैथड. मतलब एक्चुअली मुझे क्या करना है पता है, मुझे ये करना है कि जो डेटा रीड होके आ रहा है स्ट्रिंग में वो मुझे ए में मिल जाए इंटीजर में. क्योंकि दिस देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ये 10 और ये 10 दोनों में डिफरेंस है. जो आ रहा है वो स्ट्रिंग है और जो चाहिए वो इंटीजर है. ओके, मतलब एक्चुअली हम क्या बात कर रहे हैं पता है, हम एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में बदलने की बात कर रहे हैं. एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट कि मुझे स्ट्रिंग टाइप के डेटा को इंट में कन्वर्ट करना है. या कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको इंट को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना होगा फ्यूचर में कभी. तो यहां पर आप समझना, जब भी एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप में बदलता है, अगर एक टाइप के डेटा को हम दूसरे टाइप में चेंज करते हैं, तो ये दो तरीके से होता है. या तो ये अपने आप हो जाए या तो ये ऑटोमेटिक हो जाए, लेकिन पाइथन में ऑटोमेटिक तो कुछ भी नहीं होता है. ओके, तो जब यहां पर हम बात कर रहे हैं, मतलब दो तरीके हैं, जब एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप में बदलता है, तो यदि आप ये चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग इंट में चेंज हो, ओके, तो यहां पर देर इज अ मैथड कॉल इंट मैथड. और ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग. इसको समझना, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग. मतलब इंट मैथड एक्चुअली क्या काम, किस पर्पज के लिए पाइथन ने दी है, टाइप कास्टिंग के लिए. टाइप कास्टिंग का मतलब यह होता है टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ डेटा इंटू अनादर टाइप ऑफ डेटा. जब एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में बदलना है, सो वी गोइंग टू यूज दिस इंट मैथड. ठीक, तो अभी आपके पास डेटा किस टाइप का है, स्ट्रिंग, तो आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किसमें, इंट में. तो ये स्टेटमेंट हम किस तरीके से लिखेंगे, हम क्या बोलते हैं यहां पे, तो ये इंट मेथड समझ में आई आपको, मतलब द मेथड विच इज यूज टू कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ डेटा इंटू इंटीजर. ऐसे ही इंट ही नहीं, आगे मैं अभी बहुत सारी मेथड बताऊंगा. देयर इज अ मेथड कॉल्ड फ्लोट टू कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ डेटा इंटू फ्लोट, बुल टू कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ डेटा इंटू बुलियन, str to convert any type of data into string. तो जब भी any type of data into this, समझ में ही बात, मतलब किसी भी टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में बदलना है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला है, टाइप कास्टिंग. दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग का मीनिंग ही होता है टू चेंज वन टाइप ऑफ वैल्यू इंटू अनदर टाइप, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग. तो ये सब टाइप कास्टिंग के लिए दी गई मैथड है. तो इनमें से अभी हम किस मैथड को यूज कर रहे हैं, इंट मैथड को. तो कैसे यूज करेंगे, दो तरीके हैं. देखो आप, या तो आप इनपुट ले लो और बाद में यहां पर लिख दो ए इक्वल टू इंट ऑफ ए, मतलब जो ए में असाइन हुआ उसको इंट में टाइप कास्ट कर लिया, ठीक है, और फिर हमने वापस ए में असाइन कर दिया. तो या तो हम ये कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहां इनपुट ही इंट टाइप में ले लूं. ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ए इक्वल टू इंट ब्रैकेट में दिस स्टेटमेंट. समझना, मतलब मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी, ढंग से लिख देते हैं इसको, ए इक्वल टू इंट, इंट में पूरी इनपुट स्टेटमेंट लिख दी, देन अगेन बी इक्वल टू इंट ब्रैकेट में इनपुट, इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर. ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि आपको यूजर से इनपुट लेना है और अगर वो इनपुट आपका इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है, देन जस्ट आप डेटा लेते से ही टाइप कास्टिंग कर दो ना. तो अब आपने अगर इनपुट दिया मान लो 100, तो जो इनपुट आया वो 100 आया, लेकिन ए में पहुंचने के पहले इंट ने उसको क्या किया, इंट ने उसको, इसको देखो आप, इंट ने क्या किया, ये इंट से जब ये निकलेगा तो आपको ए में क्या मिल जाएगा, 100. गॉट माय पॉइंट. तो दिस इंट मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू रीड, टू कन्वर्ट एन स्ट्रिंग इनटू इंटीजर. अब क्वेश्चन है सर, अगर मान लो मैंने 100.something दे दिया, तो अगर आपने 100.19 दिया तो है वो भी स्ट्रिंग, पर जब वो इंट में कन्वर्ट होगी तो आपको 100 ही मिलेगा, क्योंकि इंटीजर का जो नेचर है वो इंटीजर डेटा का है. बात समझ में आ रही है, मतलब इंट ऑलवेज कन्वर्ट अ डेटा इंटू इंटीजर. जो भी डेटा आप दोगे वो उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा. अब इसके बाद अगर मैं लिखता हूं सी इक्वल टू ए प्लस बी, और अगर मुझे सी की वैल्यू प्रिंट करना है, अगर मुझे सी की वैल्यू प्रिंट करना है विथ मैसेज, तो मैसेज के साथ हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे, वैल्यू, या ऐसा हमने लिख दिया फिलहाल अभी, एडिशन, एडिशन इज कॉमा सी.
सिंपली हमने क्या लिख दिया, एडिशन इज सी. सो नाउ यू विल गेट द प्रॉपर रिजल्ट. अब अगर आपने दो नंबर एंटर करे सपोज 100 और 10, सो यू विल गेट द रिजल्ट 110. तो इनपुट मेथड का यूज समझ में आ रहा है आपको, कि इनपुट मेथड से हम जब भी कोई डेटा रीड करेंगे इट ऑलवेज रिटर्न द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ओनली. ये आपको डेटा रीड करके देगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में जब डेटा रीड होगा तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर टाइप के फॉर्मेट में. ठीक. लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर अगर मान लो मुझे दो बार इनपुट लेना है तो दो बार अलग अलग इनपुट लिखना पड़ रहा है. ओके, कैन वी टेक इनपुट इन अ सिंगल लाइन. मतलब अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जब कंसोल पे आप इसको रन करोगे तो आपको क्या करना है, मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, कुछ इस तरीके से एंटर फर्स्ट नंबर. ठीक, आपने वैल्यू दी 15, देन प्रेस एंटर बटन. एंटर बटन प्रेस करेंगे आप, फिर आप लिखेंगे एंटर सेकेंड नंबर, फिर आप वैल्यू दोगे 20, तो आपको आउटपुट मिलेगा एडिशन इज दिस दिस दिस, या जो भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं. ओके, लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम पाइथन में सिंगल लाइन पर डेटा रीड कर सकते हैं? कैन इट इज पॉसिबल दैट वी रीड द डेटा इन अ सिंगल लाइन? कि अगर मुझे पाइथन में सिंगल लाइन डेटा रीड करना है, मैं एक ही लाइन में डेटा रीड करना चाह रहा हूं, ओके, तो सिंगल लाइन में डेटा हम पाइथन में कैसे रीड करेंगे? ओके, तो सिंगल लाइन में डेटा रीड करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू रीड द डेटा इन अ सिंगल लाइन इन पाइथन, कि कैसे हम पाइथन में सिंगल लाइन का डेटा रीड करेंगे. ओके, तो इनपुट मेथड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया अभी फिलहाल, लेकिन इसी इनपुट को लेकर डेटा सिंगल लाइन में कैसे रीड होगा, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. चलिए, तो मिलते हैं. थैंक यू.